झारखंड में त्योहारों का सीजन है, यानी रामनवमी, रमजान और सरहुल का पर्व लोगों के सामने है। ऐसे में रांची पुलिस जहां अपनी सक्रियता दिखा रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम साहब है। नौशाद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार। बहुत धन्यवाद आपको। नौशाद साहब, रांची पुलिस तो लगातार सक्रिय दिख रही है रांची में, ऐसे में ग्रामीण पुलिस भी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सक्रिय है, खास करके अपराध की घटनाओं या फिर त्यौहार को लेकर के। क्या कुछ वहाँ पे अभी चल रहा है और कैसे पुलिस सक्रियता अपना मतलब दबिश बना रही है? त्यौहार का शुरू सीजन शुरू हो गया है, रमज़ान का महीना आज से ही शुरू हो रहा है। दो तीन दिन के बाद फिर हम लोगों का इम्पोर्टेंट पर्व सरहुल है, उसके बाद फिर हम लोग रामनवमी मनाएंगे और उसके बाद फिर कई यके बाद दिगर कई त्यौहार हम लोग सामने। शहर है वो या देहात, रांची जिला में चूँकि एक टीम काम कर रही है सीनियर एसपी साहब के नेतृत्व में, हम लोग एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और शहरी क्षेत्र में भी हो चाहे देहात क्षेत्र में हो, जो भी अफसर हैं जहाँ जिनका ज़रूरत है उनसे हम लोग ड्यूटी ले लेते हैं। इसमें कहीं कोई ये कहने की नहीं है कि शहर वाले देहात में नहीं जाएंगे या देहात वाले शहर में नहीं आएंगे। यहाँ के लोगों को सबसे पहले मैं अपने रांची पुलिस परिवार की ओर से बधाई देता हूँ, रांची शहरवासियों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, कि हर पग पे उन लोगों के पब्लिक के तरफ से हम लोगों को सहयोग मिला है, चाहे अपराध नियंत्रण करने में महिलाओं के विरुद्ध में जो भी कोई नज़र उठाते हैं या कुछ वैसी घटनाएं होती हैं तो उसको उद्भेदन करने में या और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सारे लोग साधुवाद उनको देते हैं, बधाई के पात्र हैं। जो भी उपलब्ध बल है, जो भी संसाधन रांची पुलिस को मिली है सरकार के द्वारा से, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए हम पूरी हम लोगों की कोशिश रही है, यही होगी कि हर जगह शांति व्यवस्था बनी रहे। चूँकि दो साल के बाद हम लोग ये त्यौहार कोविड के बाद हम लोग मना रहे, कई लोग हम लोगों के बीच से नहीं रहे, इस कोविड के शिकार हो गए हैं, हम चाहते हैं कि उस घरों में भी खुशियाँ जाएँ, खुशी उसी तरह से लोग मनावें। ये तब संभव होगा जब पूरे क्षेत्र में देहात हो या शहरी क्षेत्र हो सामान्य स्थिति बनी रहे, लोग भयमुक्त वातावरण में रहे, इसका ही हम लोगों का प्रयास। बिल्कुल नौशाद साहब, जैसा कि अभी सरहुल और रामनवमी ये काफ़ी सेंसिटिव भी होता है और ऐसे में शरारती तत्व भी काफ़ी सक्रिय नज़र आते हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ होगा ग्रामीण क्षेत्रों में आपके नेतृत्व में, खासकर जिस तरह से रांची पुलिस कप्तान के दिशा निर्देश का काम चल रहा है, आपकी ओर से सुरक्षा के लिहाज से क्या किन बिंदुओं पर नज़र रखी जाएगी? जिला स्तरीय कमेटी की बैठक हुई है, कल ही हम लोगों ने सरहुल के उपलक्ष्य में बैठक की है, फिर रामनवमी में करेंगे, ईद आएगा तो फिर ईद के पहले करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बल पहले से भी दिया हुआ है और इस फेस्टिवल को लेकर अलग से भी बल मुहैया कराया जाएगा, सादे लिबास में भी लोग रहेंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों ने काम ये किया है कि हर ब्लॉक क्षेत्र पर, हर थाना लेवल पर हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की है। जो पुराने शांति समिति के मेम्बरांस हैं, जो या तो बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनका तो सहयोग आशीर्वाद हम लोग लेंगे ही, उसमें नए लड़कों को, नए नौजवानों को, दोनों समाज के लोग, जितने भी एक्टिव लोग हैं, उन लोगों को हम लोगों ने इन्वॉल्व उसमें किया है, उसमें शामिल किया है, वॉलंटियर्स के रूप में हम लोगों ने तैयार किया है। थाना लेवल से भी DSP लेवल को भी निर्देश दिया गया है कि सबको एक कार्ड दे देंगे ताकि उनको ये महसूस हो कि नहीं, थाना लेवल से हमको ये कार्ड मिला है, शांति समिति के हम मेंबर है, हमारी जवाबदेही है कि जिस रूट में मैं आगे अगर कोई जुलूस जा रहा है, कहीं कोई बात अगर हो रहा है तो वहाँ जाके स्थिति को सामान्य कर दे, अगर कोई अफवाह फैल रहा हो, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे पब्लिक के बीच में हो, या कोई भ्रांतियाँ फैल गई है, उन तमाम चीज़ों को इमीडिएट उसका सॉल्यूशन कर ले, प्रशासन को सहयोग करके, प्रशासन से सहयोग लेके या अपने लेवल। नौशाद साहब, एक अंतिम सवाल है कि झारखंड में कोरोना के मामले भले ही अभी कम हो गए लेकिन सरकार अब भी सख्ती दिखा रही है, यानी कि सख्ती के साथ गाइडलाइन जो है, जो सर्कुलर जारी किया है, ऐसे में क्या भीड़ लगाना उचित होगा और इस भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस कैसे मुस्तैद रहेगी? जी बिल्कुल, अभी सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन मिल चुका है कि कोई भी अगर जुलूस निकल रहा है उसमें 100 लोगों से अधिक नहीं हो, जहाँ भी लोग एकत्रित होते हैं 1000 की संख्या से ज़्यादा नहीं हो। हम लोग ये मैसेज सरकार का स्पष्ट रूप से तमाम
मीटिंग में हम लोगों ने दे दिया है, सर्कुलेट कर दिया है सरकार के लेटर को, और हम रिक्वेस्ट किए हैं लोगों से, मुअद्दबाना अभी भी इल्तिजा कर रहे हैं, ये कोविड अभी गया नहीं, हम जितने लोगों को खो चुके हैं अब हम इस स्थिति में नहीं हैं कि बाकी कोई भी लोग हम लोगों के समाज से बीच में उस रूप में चला जाए, ये ऐसा हम कभी नहीं सोचे। सारे लोग सरकार के गाइडलाइन को किस तरह से हम लोगों को बचना है, ये ऑलरेडी चाहे देहात के लोग हों चाहे शहरी लोग हों, सब लोग बखूबी जानते हैं, सब लोगों ने उसका अनुसरण किया है, अनुपालन किया है, सब लोग कोविड का वैक्सीनेशन ले चुके हैं, डबल भी हो गया है, बूस्टर डोज भी ले चुके हैं लोग, इम्यूनिटी डेवलप हुई है, लेकिन जो प्रिकॉशन है वो सावधानी को हम लोगों को भी लेना होगा। हम लोग बीच बीच में लोगों को याद दहानी भी कराएंगे, और यहाँ के लोग महज़ब हैं, सभी लोग समझदार हैं, हमको लगता है कि अपने जान को जोखिम में नहीं जाएंगे, फेस्टिवल भी मनाएंगे, अपने आप को सुरक्षा भी रखेंगे, दूसरे का भी सुरक्षा का ख्याल करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ एक मुद्दे पुलिस, मैं रांची पुलिस परिवार की ओर से तमाम लोगों को, शहरी क्षेत्र हों रांची के या फिर देहात के क्षेत्र को हों, सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई सरहुल की भी, रमज़ान की भी और रामनवमी फेस्टिवल। बिल्कुल, धर्मनिरपेक्ष देश में सभी त्यौहारों सभी पर्वों का अलग अपना अपना महत्व है, ऐसे में इन त्यौहारों के बीच यहाँ के लोग खासकर झारखंड के लोगों ने हमेशा से जिंदा दिली का परिचय दिया है और आपस में मिलजुल कर त्यौहारों को मनाया है, लेकिन ज़रूरी है वर्तमान समय में कोरोना काल की चुनौतियों के बाद सरकारी दिशा निर्देश और गाइडलाइन का पालन करते हुए त्यौहारों को मनाएं और आपस में खुशियों को साझा करें। समाचार प्लस भी लगातार आप लोगों से गुजारिश करता रहा है, आप लोगों से निवेदन करता रहा है कि सरकारी गाइडलाइन का पालन करते रहें, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, त्यौहारों को मनाएं, लेकिन सबसे पहली अपनी सुरक्षा जरूरी है। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।